गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप नया चैप्टर पॉलिनोमियल देखेंगे। पॉलिनोमियल इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको फिर दोबारा रिवाइज किया जा रहा है, क्योंकि इसको शुरुआत में ही पढ़ाया गया है। हो सकता है कुछ लड़कों उस समय ज्वाइन ना हुए हों, और दोबारा रिवाइज किया जा रहा है इस चैप्टर पॉलिनोमियल को। इसका एक्सरसाइज 2.1 आज आप देखेंगे, क्योंकि पेज नंबर 32 पर है और चैप्टर आपका पॉलिनोमियल शुरू किया जा रहा है। पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए एन एक्सप्रेशन इन विच पावर्स ऑफ वेरिएबल इस पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर किसी भी एक्सप्रेशन का वेरिएबल्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। अब अगर उसमें ये सिर्फ एक ही वेरिएबल कंटेन है, तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी एक ही ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स कहलाएगा। यहाँ पर आपको इसके बाद जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताने के लिए डिग्री आपको पूरे एक्सप्रेशन को देखना होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप देखेंगे कि अपने एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर आपको नजर आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात ये होगी कि कांस्टेंट टर्म को आपको नहीं देखना होगा। कांस्टेंट टर्म चाहे जितने भी हाईएस्ट हों, उससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ वेरिएबल्स का पावर देखना है। पॉलिनोमियल को भी चेक करने में वेरिएबल्स का पावर देखना है कि उसका वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, और डिग्री को भी बताने में आपको सिर्फ वेरिएबल का पावर ही देखना है। उसके कांस्टेंट टर्म जो आगे कोएफिशिएंट्स के रूप में लिखे रहते हैं, गुणांक होते हैं, उनसे आपको कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं होगा। तो वही डिफिनेशन हमने यहाँ पर लिख लिया है, आप उसको समझ लें। पॉलिनोमियल की डिफिनेशन हमने लिख दी, एन एक्सप्रेशन वेरिएबल एक्सप्रेशन पावर्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पावर या पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव प्रोपर। हाँ, यहाँ पर डेफिनेशन हमने जो लिखा वो क्या लिखा? एन एक्सप्रेशन पावर्स ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी ऐसे एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसके जो है पावर्स ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल अगर सिर्फ कंटेन किए है सिर्फ एक ही वेरिएबल, वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। इफ इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल हमने लिखा 5x² + 3x + 7x³ - 1 etc। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर 2, यहाँ पावर 1, 1, दोनों जो है वेरिएबल में जो भी इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर x² और x, इसका पावर्स 1, 2 है और 1 है, यह पॉजिटिव इंटीजर है। सो आपका ये आपका एग्जाम्पल पॉलिनोमियल कहलाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में x³ है, जो कि 3 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल कहलाया। और इसी प्रकार डिग्री आप पॉलिनोमियल बताने के लिए पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को आप देख लेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आ जाइए पहले पार्ट में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और अपने जो है आंसर का रीजन भी बताइए। पहला पार्ट में 4x² - 3x + 7 लिखा है, तो ये बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप इसके वेरिएबल्स का पावर देखें। पावर्स यहाँ वेरिएबल x इस्तेमाल है, x पे पावर 2 लगा है, यहाँ x पे पावर 1 है, कुछ पावर नहीं है तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पर 2 और 1 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो आपका ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक ही वेरिएबल इस्तेमाल है, तो आपका ये पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यस। सेकंड पार्ट में आप देखें y स्क्वायर प्लस रूट टू वेरिएबल, यहाँ y इस्तेमाल है तो y के पावर यहाँ पर क्यू नजर आ रहा है आपको, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर यस हो जाएगा, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तीसरे पार्ट में अगर आप देखें तो थ्री रूट टू प्लस थ्री रूट टू आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ वेरिएबल टी इस्तेमाल हो रहा है, और गौर से देखें टी पे अंडर रूट लगा है, तो टी पे अंडर रूट का मतलब हो गया टी पे पावर वन बाई टू, और वन बाई टू आप जानते हैं कि एक फ्रैक्शन नंबर है, नॉट इंटीजर। तो यहाँ पर आपने देखा कि वेरिएबल्स का पावर फ्रैक्शन में है, इंटीजर में नहीं है, तो आपका ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आपका आंसर नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, वैल्यू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल बताया जाएगा।